बड़ी खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद के 6 ठिकानों पर सर्वे चल रहा है। दरअसल सर्वे जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है, मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या आप जानकारी हमें और दे सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि सर्वे और रेड में फर्क होता है, तो आप जरा बताएं हमको कि अभी क्या हो रहा है। देखिए, बेसिकली जो सर्वे होता है उसमें ये होता है कि आईटी डिपार्टमेंट ये जानने की कोशिश करती है कि इस आदमी के यहाँ जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स क्या है और ये पैसा इन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो जानकारी मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों से कि जो मुंबई में सोनू सूद के अब जो 6-7 ठिकाने हैं वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें पहुँच गई हैं और वहाँ पर एक तरह का सर्वे किया जा रहा है। इसको हम छापेमारी नहीं कह सकते हैं, एक तरह का सर्वे है। सर्वे के दौरान किसी डॉक्यूमेंट की जब्ती नहीं होती है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग जब्त नहीं करते हैं, केवल जानकारी हासिल करने के लिए कि उनके पास जो पूरी इनकम का सोर्स है वो क्या है, कुल कितनी इनकम है और इतनी सारी इनकम को किस तरह खर्च किया जा रहा है। तो इसके बारे में पता लगाने के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो सोनू सूद के 6 परिसरों में वहाँ पर सर्वे कर रही हैं। ये जानकारी मिली है कि जो कोविड के टाइम पे सोनू सूद ने काफी लोगों की हेल्प की थी, एक तरह से वो हीरो बनकर उभरे थे उस दौरान, जो शायद कोई कर नहीं पाया था। तो उस दौरान उनको कहाँ कहाँ से डोनेशन मिला, किस तरह से उन्होंने पैसा खर्च किया, ये सारी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट के लोग ले सकते हैं और शायद ऐसा लगता है इसी वजह से ये सर्वे किया जा रहा है। दूसरी बात एक और है कि इसका पॉलिटिकल, एक तरह से पॉलिटिकल मायना भी है। वो ये है कि कुछ दिन पहले सोनू सूद दिल्ली आए थे और यहाँ पर वो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले थे और अरविंद केजरीवाल ने उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो इस तरह से एक ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी में एक तरह से शामिल हो सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि बदले की कार्रवाई की जा रही हो, एक ये भी तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं। हालांकि इस सर्वे में क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ निकाला जाएगा और उसके बाद क्या कोई केस बनता है उन पर, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो मुंबई में सोनू सूद के 6 परिसरों में सर्वे कर रहे हैं और वहां पर ये पता लगा रहे हैं कि उनका जो पूरा मनी ट्रेल, एक तरह से कहें कि उनके पास कहां से पैसा आता है और कहां पर वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इसके सोर्स क्या है, कौन कौन से लोग पैसा दान करते हैं, ये सारी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट के लोग उनसे ले सकते हैं। जी, मैं आपसे, मुकेश सिंह सेंगर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जानकारी मिली है आईटी विभाग से। ये तो हम समझ गए कि सर्च अलग होता है, सर्वे अलग होता है, लेकिन और ये भी हम समझ गए आपसे कि वो कुछ पूछताछ करेंगे कि जितनी भी मदद की थी जब कोरोना हो रहा था उस समय लोगों की, वो पैसे कहाँ से आए, लेकिन इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई अभी? देखिए, ये इसका जवाब तो शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही दे पाएगा, क्योंकि अचानक से इस तरह से रेट एक तरह से जो सर्वे करना ये फिलहाल समझ से बाहर है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो बीते हफ्ते जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें सोनू सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले हैं और उसके तुरंत बाद ये सर्वे किया जा रहा है और उनके 6 ठिकानों पर ये सर्वे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और अलग अलग टीमें हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो निश्चित तौर पर तमाम जो लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि शायद आप जो सोनू सूद हैं वो अब राजनीति में आना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शायद इसी को देखते हुए उन पर ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, ऐसा तमाम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किस बेस पर ये सर्वे शुरू किया, उनको ऐसा क्या मिला कि अचानक उन्होंने सर्वे शुरू कर दिया, आगे वो क्या कार्रवाई करेंगे, ये जवाब शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी ही दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि सोनू सूद के 6 ठिकानों पर जो आईटी डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो सर्वे कर रही हैं और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि सर्वे के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग सर्च भी करते हैं, बहुत सारे केसेस में सर्च करते हैं और सर्च के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट वो जब्त कर लेते हैं और इसी को रेड कहा जाता है। क्या सर्वे के बाद क्या सर्च करेंगे, ये सारी चीजें, ये बहुत बड़ी और जरूरी बात कही है मुकेश सिंह सेंगर ने कि जब सर्वे होता है, सर्वेक्षण में बातचीत पूछी जाती है, दस्तावेज देखे जाते हैं, कुछ सीज नहीं किया जाता। लेकिन जब सर्च ऑपरेशन शुरू होता है तो अब आप मान लीजिए कि इसको इनकम टैक्स की रेड माना जाता है, अभी वो स्थिति नहीं।